अभी हम देखेंगे कि अमेज़ॉन फुलफिल्ड एटम क्या है और सेलर फुलफिल्ड एटम क्या है। तो अमेज़ॉन फुलफिल्ड जो एटम होता है तो उसके जो प्राइस होते हैं उसके साइड में ये ऐसा बैज जो है लोगो होता है अमेज़ॉन फुलफिल्ड का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्री डिलीवरी ऑन ऑर्डर्स ओवर 599 रुपीज़। तो टोटल ऑर्डर जो है आपकी 599 के ऊपर गई तो आपको ये फ्री डिलीवरी होता है अगर आपका प्राइम मेम्बरशिप नहीं है तो भी। लेकिन आपका जो ऑर्डर है अगर वो 599 से कम है तो आपको 50 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो अभी ये अमेज़ॉन फुलफिल्ड जो प्रोडक्ट होता है तो वो क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। मतलब ये कि ये जो प्रोडक्ट होता है सेलर अमेज़ॉन को देता है और अमेज़ॉन इसे स्टोर करता है, इसे जब ऑर्डर आती है कस्टमर की तो इसे पैक करता है, डिस्पैच करता है, उसके बाद इसे ट्रांसपोर्ट करता है और कस्टमर को डिलीवर करता है। और अगर कस्टमर किसी कारण से इसे रिटर्न करना चाहता है तो वो रिटर्न भी अमेज़ॉन खुद कस्टमर से लेता है। तो यहाँ पे कोई कस्टमर को प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। तो ये प्रोडक्ट होता है अमेज़ॉन फुलफिल्ड प्रोडक्ट। अभी हम देखते हैं कि सेलर फुलफिल्ड एटम क्या होता है। तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर तो ये सेलर फुलफिल्ड आइटम है। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, सोल्ड एंड फुलफिल्ड बाय दिस इज सेलर। तो ये जो प्रोडक्ट है तो इसकी जो प्राइस है 200 रुपीज़ है प्लस 80 रुपीज़ इसके डिलीवरी चार्जेस है। तो ये जो प्रोडक्ट होता है तो इसकी जो ऑर्डर है वो अमेज़ॉन हमसे लेता है और सेलर को देता है, और सेलर क्या करता है कि वो जो ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर तो वो जो एड्रेस है उसके वो एड्रेस पर ये जो सेलर है वो प्रोडक्ट जो है वो भेजता है। तो ये जो प्रोडक्ट होता है ये सेलर के पास स्टोर होता है, सेलर ऑर्डर लेने के बाद वो प्रोडक्ट को पैक करता है और डिस्पैच करता है, और कोई कुरियर जैसे कि ब्लू डार्ट जो है तो उसके माध्यम से कस्टमर के पास भेज देता है। और कस्टमर को अगर ये प्रोडक्ट रिटर्न करना होता है तो वो खुद कस्टमर को कुरियर करना पड़ता हो सकता है रिटर्न के लिए। तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं वो सेलर फुलफिल्ड होते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई फ्री डिलीवरी नहीं है। और एक प्रोडक्ट आपको मैं दिखा दूँगा एग्जांपल के तौर पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है प्रोडक्ट तो ये सोल्ड एंड फुलफिल्ड बाय सेलर है, तो ये सेलर फुलफिल्ड आइटम है। लेकिन इसमें जो आप देख सकते हैं कि ये 390 रुपीज़ इसके जो है प्राइस है और फ्री डिलीवरी है। तो कुछ प्रोडक्ट सेलर फुलफिल्ड के जो है ऐसे फ्री डिलीवरी वाले हो सकते हैं। यहाँ पे आपका अमेज़ॉन का प्राइम मेंबरशिप है या नहीं है इसका कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन जो अमेज़ॉन फुलफिल आइटम होते हैं या जो मैंने आपको बताया कि प्राइम आइटम्स होते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको फ्री शिपिंग मिलती है, कितना भी ऑर्डर होने दो। और एक बात यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है जो नॉन प्राइम मेंबर्स है तो उनके लिए यहाँ पे आपको ये ऐसे दिखाई देगा, लेकिन जो प्राइम मेंबर्स है तो उनके लिए देखिए, तो जो प्राइम मेंबर्स है उनके लिए वो अमेज़ॉन फुलफिल का बैच यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, तो उनको दिखाई देगा यहाँ पे ये प्राइम का लोगो, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये फ्री डिलीवरी।
सेम डे और मॉर्निंग डिलीवरी जो है उसके लिए कौन से सिटीज एलिजिबल है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये पूरा लिस्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको। किसी प्रोडक्ट के लिए डिलीवरी चार्जेस कितने हैं ये अगर आपको जानना है तो वो प्रोडक्ट कार्ट में डालना पड़ेगा आपको राइट हैंड साइड में। फिर आप उसकी जो है यहाँ पे जो प्रोडक्ट मैंने एयर फुलफिल प्रोडक्ट है नॉन प्राइम आइटम यहाँ एक क्वांटिटी के लिए इतना शिपिंग चार्जेस है। तो अगर मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ाता हूँ दो करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 120 रुपीज़ अभी हो गया है शिपिंग चार्जेस। अगर दो से मैंने ज़्यादा लिया तब देखो चार, तो चार के लिए भी मुझे 120 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। अब हम जानकारी लेने वाले हैं अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के बारे में। तो जब आप वेब पेज ओपन करेंगे तो आपको ये दिखेगा। शुरू में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। तो जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको होम, टीवी शोज़, मूवीज़, तो दो ही कैटेगरी है। बहुत ही सिंपल इंटरफेस है इसका। तो टीवी शोज़ और मूवीज़ के दो कैटेगरीज हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं। अभी होम में जो है दोनों आपको दिखाई देंगे, मूवीज़ और टीवी शोज़। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट दिखेगी आपको कि कौन से मूवीज़, कौन से टीवी शोज़ यहाँ पे है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं माउस कर्सर रखूँगा तो आपको जो है ये दिखेगा यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये सीरियल के बारे में। तो जहाँ भी आप ये कर्सर रखेंगे माउस का तो आपको ये शॉर्ट में इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि आईएमडीबी नंबर, उसका ईयर ऑफ रिलीज, सीजन्स, ब्रीफ इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि अलग अलग यहाँ पे कैटेगरीज है, जैसे कि ये लेटेस्ट मूवीज, यहाँ पे लेटेस्ट टीवी शोज, रिकमेंडेड मूवीज, टॉप टीवी शोज जो है, रिकमेंडेड टीवी शोज, मूवी अकॉर्डिंग टू जेनरे यहाँ पे है। तो लाइक एक्शन एंड एडवेंचर, कॉमेडी, ड्रामा, बॉलीवुड, क्राइम, एनिमेटेड, रोमांस। टीवी जेनरे भी है यहाँ पे, एक्शन, एडवेंचर, कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस, क्राइम, एनिमे, चिल्ड्रन एंड फैमिली और मोर। मूवीज बाय लैंग्वेज भी है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, मराठी, बंगाली। ड्रामा टीवी शो भी है इसमें, आप देख सकते हैं इसमें। हॉलीवुड मूवीज इंग्लिश में जो है, एक्शन एंड एडवेंचर कैटेगरी, कॉमेडी कैटेगरी, बॉलीवुड मूवीज भी है यहाँ पर, नए जो रिलीज हुए हैं ऐसे मूवीज यहाँ पे हैं, रोमांस मूवीज, तेलुगु मूवीज, डॉक्यूमेंट्री भी है, ट्रेंडिंग, क्राइम मूवीज, कॉमेडी मूवीज, कॉमेडी स्पेशल्स, टॉप मूवीज, क्राइम टीवी। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे कैटेगरीज में हैं। तो अभी हम एक ओपन करके देखेंगे। तो
क्वेरी आपको देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा स्टार ट्रेक बियॉन्ड। तो इसका IMDB रेटिंग भी यहाँ पे दिया है और टाइम ड्यूरेशन इसका दिया है यहाँ पर, ये कौन से ईयर में ये रिलीज हुई थी 2016। नॉट रेटेड, क्लोज कैप्शन, सब टाइटल्स, इसकी ये जो मूवी है इसके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, डायरेक्टर कौन है, स्टारिंग, जनरे, सब टाइटल्स कौन से लैंग्वेज में है, ऑडियो लैंग्वेजेस कौन सी अवेलेबल है, तो यहाँ पे दिया है। तो ये आप वॉच, ट्रेलर भी वॉच कर सकते हैं इसका, या फिर एड टू वॉच लेटर भी ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे। आप प्ले करेंगे, टेक्निकल डिस्टरबेंस हो रही है सर। तो जहां से ये पहले स्टॉप किया था वहीं से ये स्टार्ट हो गई है मूवी, मतलब रिज्यूम फैसिलिटी इसके अंदर है। और यहां पे एक एक्सरे करके फीचर है, तो एक्सरे फीचर जो होता है तो यहां पे आप देख सकते हैं एक्सरे में कि जो कास्ट है मूवीज का या टीवी शोज का, वो यहां पे आपको इन्फॉर्मेशन उनके बारे में जो है मिल सकती है। अगर इसके अंदर कोई म्यूजिक ट्रैक्स है तो म्यूजिक ट्रैक की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे है और आप वो डायरेक्टली सुन सकते हैं वहाँ पे जाके। ट्रिविया करके होता है कुछ मूवी के या शोज़ के बारे में कुछ अगर इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन या कुछ किस्से है तो वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पे आप और पॉज कर सकते हैं और ये 10 सेकंड जो है आप आगे ले सकते हैं इसको मूवी को, या 10 सेकंड जो है पीछे ले सकते हैं। अभी जो वीडियो क्वालिटी आपको दिख रही है वो जरा लो क्वालिटी है, वो क्वालिटी जो डिपेंड होती है दो फैक्टर पे होती है। यहाँ पे आप क्वालिटी सेट कर सकते हैं यहाँ पे सेटिंग पे जाके, तो वीडियो क्वालिटी यहाँ पे गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पे गुड के लिए आपको कितना डेटा लगेगा, बेटर के लिए कितना डेटा लगेगा और बेस्ट के लिए कितना डेटा लगेगा पर आवर यहाँ पे दिया है, तो इस पे डिपेंड होती है क्वालिटी। और कि आपका जो इंटरनेट का स्पीड है तो उस पे भी ये क्वालिटी डिपेंड होती है। अभी इंटरनेट का स्पीड ज़रा स्लो है तो यहाँ पे क्वालिटी ज़रा डाउन आ रही है। और एक ऑप्शन है इसमें कि सब टाइटल का, तो लैंग्वेजेस आप यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। मूवी में अवेलेबल लैंग्वेज जो है इंग्लिश या हिंदी वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं अगर अवेलेबल है तो, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होंगी वही आपको यहाँ पे ऑप्शन में आएगी। सबटाइटल्स जो ऑप्शंस होंगे यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, सबटाइटल्स की यहाँ पे सेटिंग भी आप कर सकते हैं। सबटाइटल जो आएंगे यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे दिया है तो वो साइज़ आप चेंज कर सकते हैं, छोटे साइज़ का चाहिए या फिर बड़े साइज़ का सबटाइटल चाहिए। और सबटाइटल का जो बैकग्राउंड होता है वो कैसे चाहिए आपको तो वो भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। तो ये सेटिंग होते हैं यहाँ पर, जैसे फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। बड़े फिर से पड़ गए तो कैसी रही मीटिंग? कैप्टन क्या टिनाक्सी के साथ समझौता कराने में सफल रहे? और एक एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा, अगर कोई टीवी शोज है तो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी सारी। अगर टीवी शोज है तो इसके सीजन्स होते हैं तो सीज़न 1-2 ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सीज़न 1 है आपका तो उसके अंदर जो एपिसोड्स है वो यहाँ पे नीचे दिखाई देंगे, कौन सा भी एपिसोड जो है आप डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं। तो शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है शो के बारे में और यहाँ पे आप जहाँ से मैंने स्टॉप किया था वहीं से ये प्ले हो गया है। कहीं से भी आप प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने एक्सरे फीचर बताया था
तो ये टीवी शोज के लिए एक स्पेशल फीचर यहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर कुछ मूवीज़ के लिए भी ये फीचर है, कुछ अलग से है। तो इसमें क्या है कि जो सीन चल रहा है वो अभी, तो उस सीन में जो भी कैरेक्टर है तो वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो सीन अगर जैसे चेंज हो जाता है तो वो जो कैरेक्टर है वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। अभी सीन चेंज हो गया है तो यहाँ पे जो एक्सरे में जो कैरेक्टर दिखाई देंगे इन्फॉर्मेशन में, वो भी आपके चेंज हो जाएंगे। अगर कुछ म्यूजिक है उस सीन में तो वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ये देखिए आप कि जो पूरा एपिसोड है उसके अलग अलग सीन यहाँ पे डायरेक्टली वो सीन पे आप जंप कर सकते हो। ये कास्ट, पूरा कास्ट जो है एपिसोड का, कैरेक्टर, अगर कोई म्यूजिक है तो आप सुन सकते हैं डायरेक्टली। तो ये सारे जो है फीचर्स इसमें एक्सरे के अंदर है। और इसमें कुछ सेटिंग भी है वो आप कर सकते हैं। सेटिंग अकाउंट में जाके आपको सेटिंग करने पड़ेंगे। तो प्लेबैक की सेटिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑटो प्ले ऑन ऑफ कर सकते हैं। पैरेंटल कंट्रोल यहाँ पे है, तो आप कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं बच्चों के लिए, तो यहाँ पे आप पिन डाल सकते हैं। सबटाइटल का भी आप यहाँ पे स्टाइल जो है चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये ऐसे कुछ सेटिंग इसके अंदर है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है कि आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको जो मूवी चाहिए या टीवी शो चाहिए यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं सर्च बॉक्स में। वो मूवी का या शो का टाइटल भी दे सकते हैं, या फिर कोई आपका जो एक्टर है, डायरेक्टर है, या फिर प्रोडक्शन हाउस है उसका भी नाम यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक मुझे एक्टर है टॉम हैंक्स, तो इसे मैं सर्च करूँगा। और ये यहाँ पे सर्च हो चुका है, 29 pound फॉर टॉम हैंक्स। तो इस तरह से आप ये मूवी सर्च कर सकते हैं या स्टार जो है सर्च कर सकते हैं, और आप मूवी जो है देख सकते हैं, उसका मजा ले सकते हैं। तो ये जो है डेस्कटॉप वर्जन के बारे में था। तो इसका ऐप भी है, एंड्रॉयड ऐप, तो वो एंड्रॉयड ऐप पे भी आप मूवी देख सकते हैं। तो उसमें एडवांटेज क्या है ऐप में, कि पहला ये है कि उसमें आप मूवी डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफलाइन व्यू कर सकते हैं, लेकिन वो जो मूवी है वो कॉपी नहीं कर सकते। दूसरा ये कि इसमें जो है ऐप में कम डेटा लगता है आपको, और अच्छी क्वालिटी मिलती है डेस्कटॉप के तुलना में। और तीसरा एडवांटेज ये है कि ये मूवी ऐप जो है मोबाइल पे होता है, तो आप ये कहीं पे भी वॉच कर सकते हैं। तो इसमें जो है डेस्कटॉप में वो ऑब्वियसली वो फीचर नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है कि आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं इजीली। तो ये डिफरेंस है। और जो मूवीज़ है आप देख रहे शो, वो आप टीवी पे भी देख सकते हैं। तो इसके लिए एक डिवाइस है अमेज़ॉन फायर करके, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 4,000 रुपये उसकी प्राइस है। अगर प्राइम मेंबर है तो उसके लिए 500 रुपीज़ डिस्काउंट है यहाँ पे, तो वो भी आप ले सकते हैं। ये अमेज़ॉन फायर स्टिक जो है वो टीवी को लगा के आप जो प्रोग्राम्स है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के, वो डायरेक्टली आप टीवी पे देख सकते हैं विदाउट यूजिंग मोबाइल। तो वो जो स्टिक होती है उसके अंदर ही वो प्राइम वीडियो का जो है ऐप होता है, और डायरेक्टली आप वो वॉच कर सकते हैं, उसको रिमोट भी होता है। तो ये है फीचर्स उसके। अभी अगर देखेंगे ये प्राइम वीडियो जो है, तो उसके लिए जो कॉम्पिटिटर है तो वो है इंडिया में जियो सिनेमा, जो मोबाइल ऐप है और उसमें जो मूवीज है। तो अभी हम पहले देखेंगे कि सिमिलैरिटी क्या है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ऐप या फिर डेस्कटॉप और जियो सिनेमा का जो ऐप है, तो उसका जो है सिमिलैरिटी क्या है। तो फर्स्ट जो सिमिलैरिटी है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो नो एडिशनल चार्जेस होते हैं उनके, कोई एडिशनल चार्जेस आपको नहीं होते, कॉम्प्लीमेंट्री है। दूसरा ये कि लार्ज कलेक्शन ऑफ हिंदी इंग्लिश एंड ओरिजिनल मूवीज एंड टीवी शोज दोनों में है। तीसरा ये है कि इसकी दोनों में हाई क्वालिटीज होते हैं, HD क्वालिटी आपको दिखाई देंगे। चौथा कि दोनों में अमेज़न प्राइम ऐप वीडियो ऐप जो है या फिर
जो जियो सिनेमा जो ऐप है दोनों में ऑफलाइन आप देख सकते हैं डाउनलोड करके। और पांचवा जो है कि जो ऑफलाइन मूवीज होते हैं उनको आप कॉपी नहीं कर सकते हो, कॉपी करके दूसरे डिवाइस में लिया ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो ये सिमिलैरिटीज़ है। अभी कंपैरिजन करेंगे कि प्लस और माइनस पॉइंट्स क्या है। तो जियो में जो है प्लस पॉइंट्स प्राइम वीडियो के मुकाबले, कि इसमें मुझे जो लगा कि हिंदी मूवीज़ का जो है ज़्यादा कलेक्शन दिखा मुझे। दूसरा ये प्लस पॉइंट है इसका जियो का कि उसमें जो उसके जो ऐप में जो फीचर है पिक्चर इन पिक्चर, जो कि अमेज़ॉन प्राइम में नहीं है, ऐप में नहीं है वो फीचर। और माइनस पॉइंट जो है जियो के तो वो कुछ इस तरह से है कि इंटरफेस जो है, इंटरफेस और जो फीचर्स है वो जियो में इतने अच्छे नहीं जितने कि अमेज़ॉन प्राइम वीडियोस में। और एक माइनस पॉइंट इसका ये है कि इसका सिर्फ मोबाइल वर्जन ही है, डेस्कटॉप पे आप नहीं देख सकते हो। दूसरा एक और एक माइनस पॉइंट है कि जियो का नेटवर्क होना ज़रूरी है अगर आपको जियो के मूवीज़ देखने हैं, या फिर वो सिम कार्ड भी होना ज़रूरी है, जो कि अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के लिए वो कंडीशन नहीं है। कौन से भी नेटवर्क पे आप देख सकते हैं वो मूवी। तो ये कुछ डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए। लास्ट पॉइंट जो है जो हमने देखना है तो वो है कि कैंसलेशन का, हम इसे कैंसिल कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे अमेज़ॉन प्राइम टर्म्स एंड कंडीशंस में तो यहाँ पे नीचे आपको ये दिखाई देगा ऑप्शन मेंबर कैंसलेशन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है आप कैंसिल कर सकते हैं कभी भी, लेकिन उसका जो रिफंड होता है वो कुछ कंडीशंस में आपको मिलेगा। जैसे कि अगर आपने अमेज़ॉन प्राइम मेंबरशिप लिया और 3 दिन के अंदर अगर आपने कुछ परचेसिंग वगैरह किया या कुछ बेनिफिट लिया उसका, तो वो बेनिफिट माइनस करके जो अमाउंट रहेगा तो वो आपको रिफंड किया जाएगा। या फिर 3 दिन के बाद, या फिर अगर समझिए कि 1 महीना हो गया आपने कुछ भी उसका बेनिफिट नहीं लिया है, फ्री शिपिंग का नहीं लिया है या वीडियो का नहीं लिया है, तो वो जो है आपको पूरे पैसे रिटर्न मिलेंगे।